हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हमारे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे और आपको अच्छे से समझा भी दिए थे. आई होप सभी बच्चों को वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न भी है. आज जब चैप्टर को रीड करेंगे तो मैं इन बिटवीन आपसे उन वर्डों के बारे में पूछने वाली हूँ. ठीक है, देखिए बच्चों, हमारा पाठ 8 है जिसका नाम है पर्वतों की रानी मसूरी. ठीक है, पर्वतों की रानी किसको कहा गया है? मसूरी को कहा गया है. क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा यहाँ बहुत सारे पर्वत ही पर्वत है. पर्वत का मतलब होता है बच्चों पहाड़ ही पहाड़ है. अगर आप में से कई बच्चे यहाँ घूमने गए हैं तो वो इसके बारे में बखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं. देखिए, पहले हम अपने मैप, ये देखिए साइड में आपका मैप दिया गया है कि यहाँ आपको दिखाया गया है कि मसूरी है कहाँ पे. यहाँ देखिए बच्चों, ये श्रीनगर है, श्रीनगर के बाद जम्मू है, और जम्मू के बाद शिमला है, और शिमला से जस्ट नीचे यहाँ पे है हमारा मसूरी, जिसे पर्वतों की रानी कहा गया है. देखिए बेटा, आपने देखा होगा कि हमारे देश में अनेक पर्वतीय स्थल हैं. ठीक है, यानी पर्वतीय मतलब जहां पर्वत ही पर्वत है, पहाड़ ही पहाड़ है. और ऐसे इलाके में जब हम घूमने जाते हैं तो इसकी सुंदरता हमें बहुत अच्छी लगती है और हमारा मन करता है कि हम यहाँ से वापस ना आए. ठीक है, इन सभी स्थलों में मसूरी को पर्वतों की रानी कहा गया है. और इन सभी जो पर्वत हैं, पर्वत वाले जो इलाके हैं, इनमें से सभी में से सिर्फ मसूरी को ही पर्वतों की रानी कहा गया है. ठीक है, आइए आज इस चैप्टर के थ्रू हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं. देखिए बेटो, सॉरी, देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति तो विश्व में महान कहलाती है. यानी हमारे देश की जो संस्कृति है वो पूरे देश में महान कहलाती है. और साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी विश्व में अनुपम है. अनुपम का मतलब होता है बच्चों अनोखा. प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल, यानी प्रकृति से संबंधित. ठीक है, और ये मैंने वर्ड मीनिंग में आपको लिखवाया भी था. यहाँ के पहाड़, नदियां, खेत, हरियाली एवं पेड़ पौधे विश्व भर से पर्यटकों का मतलब होता है बेटा यात्री, यानी जो घूमने फिरने जाते हैं उनको पर्यटकों बोलते हैं. ठीक है, को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. आकर्षित का मतलब होता है खींचते हैं, यानी अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं. यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में प्रसिद्ध है. प्रसिद्ध का मतलब होता है फेमस. ठीक है, यहाँ का जो प्राकृतिक सीन है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो विश्व भर में पूरे देश में प्रसिद्ध है. कहाँ का बच्चों, कहाँ की बात कर रहे हैं हम हमारे देश की बात कर रहे हैं कि हमारी जो देश की संस्कृति है वो सभी देशों में महान संस्कृति है. और साथ साथ यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य भी है, यानी प्राकृतिक रूप से हमारा जो देश है वो देखने लायक है. इसीलिए विदेशों से लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं. आपने देखा होगा ना, यहाँ के पहाड़, नदियां, खेत, हरियाली एवं पेड़ पौधे विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. यानी ये जो जगह है, ये जो चीजें हैं, वो यात्रियों को, दूसरे देश के जो लोग हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं. यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में प्रसिद्ध है और हमारे देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है पूरे देश में फेमस है. देश के अलग अलग राज्यों में अनेक पर्वतीय स्थल हैं और देश के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें अनेक पर्वतीय स्थल है. पर्वतीय स्थल का मतलब जहाँ पर्वत है, ऐसे स्थल मतलब जगह, ऐसी जगह है जहाँ पर्वत है. जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह है जहाँ पर्वत है, पहाड़ है? शिमला, कसौली, धर्मशाला, मनाली इत्यादि. यानी ये ऐसी जगह है जहाँ पर्वत ही पर्वत है, यानी पहाड़ ही पहाड़ है. उसी प्रकार उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, जिम कॉर्बेट, एल्मोड़ा, लैंसडाउन इत्यादि हैं. यानी ये जगह है जहाँ पर्वत ही पर्वत हमें देखने को मिलते हैं. मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है. और मसूरी को क्या कहा जाता है बच्चों? पर्वतों की रानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्वत हमें देखने को मिलते हैं और सभी जगहों पर, यानी पर्वत तो और भी जगह पर है लेकिन सबसे ज्यादा पर्वत हमें मसूरी में ही देखने को मिलता है. इसीलिए मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है. इसकी खूबसूरती तथा हरियाली सबका मन मोह लेती है और इन पर्वतों पर, इनकी जो खूबसूरती होती है और इन पर्वतों पर हरियाली
जो होती है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। हमने मसूरी के विषय में कई लोगों से बहुत कुछ सुना था, यानी आप इस चैप्टर को लिखने वाले जो लेखक हैं वो आपको बता रहे हैं कि इस जगह के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था। हमने अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। आप क्या बता रहे हैं कि हमने, यानी जो लिख रहे हैं चैप्टर को, उस वो बता रहे हैं अपनी कथा कैसे, बच्चों हमने अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। हमने सोचा कि गर्मी की छुट्टियों में मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी का सीजन होता है तो मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी होती है। यदि इन दिनों मसूरी जाएंगे तो वहां मौसम काफी अच्छा रहेगा, और गर्मी के दिनों में अगर हम मसूरी जाएंगे तो वहां जो मौसम होता है वो ठंडा होता है ना। गर्मी की छुट्टियां आने से कुछ समय पहले ही पिताजी ने देहरादून जाने के लिए रेलवे आरक्षण कर दिया, यानी रेलवे की टिकट बुक कर दी, पहले ही बुक करना। आरक्षण का मतलब होता है पहले ही बुक करना। मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन, हम चारों के लिए देहरादून एक्सप्रेस में सीटें बुक हो गई, यानी हम चारों के लिए देहरादून एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसमें हमारी सीटें बुक हो गई। 20 मई की रात को हम ट्रेन से देहरादून के लिए निकले, यानी हम देहरादून के लिए कब निकले, 20 मई की रात को, और कहां किससे चले, ट्रेन से। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। रात ठीक 10:30 बजे ट्रेन चल दी, और ट्रेन चलने का जो टाइम था वो कितना था, 10:30 बजे। तब तक हमने खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हम सो गए, और तब तक हम खाना खा चुके थे, और थोड़ी देर बाद ही ट्रेन ने, आपने देखा होगा ना बच्चों, ट्रेन में आपने भी सफर किया है, ट्रेन जब चलती है तो पहले उसकी स्पीड कम होती है और उसके बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती है। सुबह 5:30 बजे हम देहरादून स्टेशन पहुंचे, और देहरादून स्टेशन पर पहुंचने का हमारी जो टाइमिंग थी वो क्या थी, 5:30 बजे। स्टेशन के पास ही टैक्सी स्टैंड था, और स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड था जहां टैक्सियां लगी होती हैं। हम लोगों ने मसूरी जाने के लिए टैक्सी वाले से बात की, 900 रुपए में हमने तय किया और टैक्सी में बैठ गए, यानी टैक्सी को हमने कितने रुपए में बुक किया, 900, यानी 900 रुपए में। टैक्सी का यह सफर बहुत अच्छा था। हमारी टैक्सी पहाड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल रही थी, दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मौसम सुहावना था। सुहावना का मतलब होता है बच्चों मन को अच्छा लगने वाला। हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम मसूरी टैक्सी स्टैंड पहुंचे, और टैक्सी में जो हमने सफर किया वो कितना था, लगभग 2.5 घंटे का, यानी 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम ऑलरेडी मसूरी पहुंच चुके थे। वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय का मतलब होता है वहां रहने वाले लोगों ने, वहां के जो निवासी थे उन्होंने, वहां के स्थानीय लोग हमें होटलों के विषय में जानकारी दे रहे थे। हमने रोजलीन होटल लिया, यानी कौन सा होटल लिया, होटल का नाम क्या है बच्चों, ये रोजलीन जो है वो होटल का नाम है। कुली ने हमारा सामान अपनी पीठ पर रखकर हमें होटल तक पहुंचाया। कुली क्या होता है बच्चों, कुली वो होता है जो आपका सामान ढोता है, यानी आपका जो लगेज होता है, जो सामान होता है, आपके बैग वगैरह होते हैं उनको उठाने के ये काम करते हैं। यह होटल माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। कमरे की खिड़की से माल रोड का नजारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, और जो ये वाला जो सीन आपके सामने दिखाया गया है ये कहाँ का सीन है बच्चों, ये माल रोड का सीन है, ठीक है, और इससे ऊपर आपको स्टेशन का सीन दिखाया गया है जहां ट्रेन दिखाई गई है, ठीक है। माल रोड पर ही थोड़ी ऊंचाई पर लाइब्रेरी बाजार था, और इससे जो माल रोड है उससे थोड़ी ऊंचाई पर, यानी थोड़ा ऊपर जाने पर ही लाइब्रेरी बाजार था। हम वहां गए तो वहां पर हमें यह बताया गया कि कई फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। बाजार में काफी रौनक थी। खाने पीने की अनेक दुकानें तथा कई खोमचे वाले थे। कुछ लोग गरम गरम उबले अंडे बेच रहे थे। रात को हम होटल में वापिस आ गए। थकावट के कारण अच्छी नींद आ गई, यानी पूरे दिन हम घूमे फिरे, हमने मौज मस्ती की, तो हमें थकान हो गई और थकावट के कारण हमें अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह जल्दी से तैयार हुए, नाश्ता इत्यादि कर लिया, क्योंकि हमें कैंपटी फॉल घूमने जाना था। यह मसूरी का एक खूबसूरत झरना है, और ये जो झरना आपके सामने दिखाया गया, इस झरने का नाम क्या है बच्चों, कैंपटी फॉल, ठीक है।
यह मसूरी का एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बह रहा है। वहां पर झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है, और इस झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है, ठीक है। कपड़े इत्यादि बदलने के लिए गुसलखाने भी बने, गुसलखाने मतलब इन द सेंस बाथरूम भी बने हुए हैं, ठीक है, जहां हम कपड़े चेंज कर सकते हैं। यहाँ की रौनक देखकर मन प्रसन्न हो गया, प्रसन्न का मतलब होता है बेटा खुश हो गया। हमने नहा धोकर खाना खाया, उससे पहले हमने कुछ झूले भी झूले। शाम तक हम टैक्सी द्वारा अपने होटल में वापस आ गए। अगले दिन पहले हम तिब्बत बाजार घूमने गए। मैंने कुछ खिलौने खरीदे, मम्मी पापा ने हमारे और अपने लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे। फिर हम उड़न खटोले ट्रॉली की सैर पर गए। उड़न खटोले मतलब वो थे ट्रॉली वाले झूले होते हैं ना बेटा, वो वाले। उड़न खटोले ट्रॉली की सैर पर गए। ट्रॉली रज्जू मार्ग से ऊपर उड़ती है और ऐसा लगा जैसे हम हवा में झूल रहे हैं। और वो ट्रॉली टाइप में एक मतलब ट्रॉली टाइप में क्या होता है, एक उड़न खटोला मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक झूले टाइप में होता है कि रस्सी बंधी हुई होती है और उसमें ट्रॉली टाइप का कुछ लगा होता है जिसमें बैठने की व्यवस्था होती है, ठीक है। और उसमें बैठने के बाद हमें क्या लग रहा था, हमें ये लग रहा था जैसे हम ऊपर हवा में झूल रहे हैं। यह अनुभव मेरे लिए एकदम नया था। शाम को हम होटल में वापस आए और समय से सो गए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें देहरादून के लिए निकलना था, यानी देहरादून वापस आना था, और फिर वहां से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, और फिर वहां से कौन सी ट्रेन लेनी थी हमें, दिल्ली की। यह मसूरी की यात्रा मेरे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगी, मतलब न भूलने वाली, यानी ऐसी यात्रा जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, ठीक है। ये यात्रा मेरे लिए ऐसी यात्रा रही। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद अपनी बुक में जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है और उनकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, ठीक है। और लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखनी भी। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।